नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों पैरेलल आने वाली है, आप सभी जान रहे हैं। सीजी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन अगले सप्ताह आने वाला है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है, जो साथी सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब किसकी तैयारी करें, सीजी टेट की तैयारी करें या शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, क्या दोनों के सिलेबस समान है या कितना अंतर है, हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो के बाद में आपकी तैयारी दोगुनी हो जाएगी। जी हां साथियों, आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में हैं कि मैं किसकी तैयारी करूं, यदि मैं सीजी टेट फेल हूं इसकी तैयारी करूंगा तो मेरा शिक्षक भर्ती छूट ना जाए, तो इस तरह की परेशानियां सभी के साथ आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं परेशानियों पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक बिल्कुल कर देंगे भाई, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए अलग अलग मैंने विषयवार सब्जेक्ट यहाँ लिया है, सीजी टेट में कितने नंबर का आता है और शिक्षक भर्ती में कितने नंबर का आता है, हम इन दोनों के बीच सबसे पहले कंपेयर करते हैं। देखिए बाल विकास की बात करूँ, 30 नंबर का बाल विकास आता है, सेम सिलेबस। यदि आप सीजी टेट में तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बाल विकास भी आपका कवर हो जाएगा साथियों आराम से। हिंदी की बात करें, सॉरी ये भी 30 नंबर है, ठीक है, हिंदी में भी आपके 30 नंबर के। यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो आपके सिलेबस हैं उसमें 25 नंबर का यहाँ पूछा जाता है। देखिए शिक्षक भर्ती में आपके 25 नंबर हैं और सीजी टेट में आपके 30 नंबर, अर्थात यहाँ से 5 नंबर आपका माइनस किया जाता है। अंग्रेजी में भी आपके 25 नंबर हैं और सीजी टेट में 30 नंबर का पूछा जाता है। गणित में 30 में 30 दोनों में पूछे जाएंगे। पर्यावरण में 10 नंबर यहाँ से माइनस कर लिया जाएगा, अर्थात इंग्लिश में माइनस कर रहे हैं और पर्यावरण में 10 नंबर यहाँ से माइनस कर रहे हैं आपका। और सीजी टेट में ये 30 नंबर का आता है। जनरल नॉलेज में आपका यहाँ से 10 नंबर और सीजी टेट में जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के कोई भी प्रश्न नहीं आते, ठीक है। इस तरह से कुल 150 अंकों का प्रश्न सीजी टेट में होता है और यहाँ पर जीके में 10 और कंप्यूटर के 10 अतिरिक्त। कहने का तात्पर्य है, जो हिंदी और इंग्लिश से 5 नंबर माइनस किए हैं प्लस पर्यावरण से जो 10 नंबर माइनस किए हैं, अर्थात 10, 10, 5, 15, 5, 20 नंबर। कहने का तात्पर्य साथियों, ये जो जनरल नॉलेज और हिंदी में जो 20 नंबर अलग से पूछा जा रहा है सीजी टेट में, तो इसी को आपके हिंदी इंग्लिश और पर्यावरण से 20 नंबर को माइनस किया गया है और उसी में 10 नंबर जीके जोड़ा गया है और 10 नंबर कंप्यूटर जोड़ा गया है। बाकी आपके 90% सिलेबस जो है सीजी टेट के ही सिलेबस हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं सीजी टेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं हो पा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हो, आपके 90% सिलेबस बिल्कुल मैच खाता हुआ सिलेबस, बिल्कुल हूबहू सिलेबस है, मैच खाता नहीं हूबहू सिलेबस है, आपके सीजी टेट के टॉपिक को ही एज इट इज आपके शिक्षक भर्ती में एज इट इज डाल दिया गया है। तो जो साथी सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सीजी टेट की आपकी तैयारी होगी, आप सीजी टेट की तैयारी के साथ में 10 नंबर जीके और 10 नंबर कंप्यूटर की तैयारी को बस आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपकी पूरे 150 मार्क्स की जो तैयारी है वो जो है इससे कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन साथियों को लगता था कि सीजी टेट की तैयारी कर रहा हूँ, शिक्षक भर्ती की तैयारी होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल आप जो है अपनी समस्या को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह की यदि सवाल आ रही है तो ये निगेटिविटी है, ठीक है। क्योंकि आपकी तैयारी सीजी टेट की हो रही है, मतलब शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो रही है, 90% आपने कवर कर लिया है। यदि आप सीजी टेट कर लिए, तैयारी कर लिए, तो 90% आपका शिक्षक भर्ती कवर हो गया है। तो सभी साथी बिल्कुल जी जान लगाएं, शिक्षक भर्ती की तैयारी हो या सीजी टेट की तैयारी हो, आपकी दोनों की तैयारी जो है कंबाइन चल रही है, ठीक है। ये रहा प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए जो योजना है इस तरह से आपको करनी होगी, इस तरह से आपको भी तैयारी अपनी रखनी होगी। यहाँ पर लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि सर मुझे कैसे कैसे रणनीति बनानी होगी, क्या करनी होगी, तो मैं आपको बता दूं, एक टारगेट यदि आप लेके चलते हैं, जैसे बाल विकास में मान लीजिए आपने
24 नंबर का टारगेट रखा। हिंदी विषय में मान लीजिए आपने 17 नंबर का टारगेट रखा, इंग्लिश में मान लीजिए आपने 15 रखा, गणित में मान लीजिए आपने यहाँ पर 22 का मार्क्स, पर्यावरण में भी आप 20 नंबर आता है, आराम से आप 15 नंबर कर सकते हो, 5 कंप्यूटर में 7। इस तरह से यदि आपने एक रणनीति बना के चला, आप उसी के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हैं तो इजिली आप जो है 100+ मार्क्स जो है कवर कर सकते हो सहायक शिक्षक भर्ती 2024 की परीक्षा में। तो इस तरह आपको रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा साथियों, और तैयारी करनी होगी। और वैसे भी सीजी सहायक शिक्षक और शिक्षक की तैयारी आपको हमारे चैनल से ऑलरेडी मिल ही रही है। जो साथी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाइए, सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो और आपको बहुत ही कम शुल्क में सहायक शिक्षक शिक्षक की कंप्लीट बैच मिल रही है। यदि आपको लगता है साथियों कि आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट भी अवेलेबल है, चूंकि 1199 रुपए में शिक्षक है और इसमें भी आपको यदि आप कूपन कोड यूज करते हैं तो 200 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से यदि आप सहायक शिक्षक में यदि आप कूपन कोड का यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको जो है डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल है। तो जो साथी अभी तक जो है पेड क्लास जुड़े नहीं है वो बिल्कुल जुड़िए, अवसर को मत गंवाइए साथियों, क्योंकि यदि अभी आपने अवसर को गंवा दिया तो दोबारा नहीं आएगी। बंपर पदों पर भर्ती आ रही है, 33,000 पदों पर भर्ती आ रही है। ऐसे में यदि आप कुछ ही चीजों के लिए यदि आप पीछे रह जाते हैं तो फिर आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जीवन में ऐसी भर्ती न कभी आई है शिक्षा विभाग में, और मुझे ये नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इतनी बड़ी संख्या में भर्ती संभव है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, लाइक जरूर कर देना साथियों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद।